जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का। 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं, पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं, मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने कुछ कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पौश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी, कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी, उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं, खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्त स्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमरीका से ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूँ जो कि अमरीका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं, मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने कुछ कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा? और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है। और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कैनेडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूँ तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें, और 1-2 फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे ज़रूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जैसे कि आपने जिक्र किया जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल भाई अशरफ के साथ भी किया गया था, उसमें भी 3 लड़के आए जो कि काफी यंग एज के थे, सेम सिचुएशन यहाँ जैसे कि हाई टेक पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप इन चीजों में? मैं ये देख रहा हूँ कि हथियार हवा से नहीं आते। 9mm की ब्लैक में भी असली अगर देखें मार्केट में प्रोहिबिटेड बोर है, मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक में भी बताया जाता है कि 10 लाख से कम नहीं आता है। अगर अतीक के केस में आए थे वो भी अत्यंत आपत्तिजनक था, पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई, और जो भी पुलिस ड्यूटी एस्कॉर्ट में थे, हालांकि जुडिशल कमीशन और एक कमीशन ने उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी, लेकिन मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहूँगा कि पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर अपराध है और पुलिस कर्मियों की संलिप्तता अथवा निष्क्रियता या दोनों ही परिस्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शूटर आ रहे हैं, आप देखें करनैल सिंह हरियाणा से, दूसरे धर्मराज उत्तर प्रदेश से, और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी।
रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से ये यंग दुनिया में बहती जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं एज ए यूपी के फॉर्मर डीजीपी? पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से लड़कों से कहूँगा ग्लैमर के चक्कर में ना पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके की जो रास्ता पकड़ता है उसका एक ही गंतव्य है मौत। इस रास्ते के न चुने, क्योंकि इसमें आज तक किसी को मैंने लाभान्वित होते नहीं देखा। कुछ समय के लिए वैभव और ग्लैमर मिलता है, उसके बाद लाश चीर घर में पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इसलिए इस रास्ते को न देखें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें।